नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम नितिश तिवारी और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे साउथ इंडिया में कर्नाटक राज्य के अंदर हम्पी क्षेत्र में। यहाँ तक जाने के लिए आप बाय रेल कोई से भी राज्य से हॉस्पिट स्टेशन की ट्रेन ले सकते हैं, जो कि महज 12 किलोमीटर की दूरी पे है हम्पी से। रास्ता काफ़ी लंबा था और ट्रेनें भी सिर्फ 2 दिन में एक ट्रेन चलती है दिल्ली से हॉस्पिट के लिए, तो मैंने फटाफट से जो भी ट्रेन दिखी बुक की और पहुंच गया हॉस्पिट स्टेशन। हॉस्पिट में रात्रि के ट्रैवल करने के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं अगर आप ऑटो या टैक्सी लेते हैं तो, इसलिए अपने समय अनुसार आइएगा। हॉस्पिट एक काफ़ी घना बसा हुआ शहर है, तो वहाँ पे होटल्स वगैरह काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं, साथ ही खाना भी बहुत ही सस्ता और अच्छा मिल जाता है। जबकि हम्पी में कुछ ऐसे टीन शेड से बनाए हुए आपको होटल्स मिलते हैं। दैट्स योर टॉयलेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये है आपका बेड। नीचे पत्थर हैं, ऊपर आपका बेड बनाया गया है, वहाँ पे आपके सिटिंग के लिए बनाया गया है। अगर आप अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी, सुबह सुबह नहा लिया मैं, और ये था मेरा बेड जहाँ मैंने स्टे किया, जैसे मैंने आपको दिखाया पत्थर पे बना हुआ बेड। निकलते हैं बाहर, सुबह के क्या कहते हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, और जैसे मैं आपको सीन अगर दिखाऊँ यहाँ पे तो कुछ ऐसा है। ये थी जिसके अंदर मैं सो रहा था रात को, ऐसे यहाँ पे आसपास है सारे। साइड में अभी आप देख रहे हो ये तुंगभद्र रिवर है, ये रिवर पार करके जाना होता है हमें दूसरी साइड, जिसके पास आता है हिप्पी आइलैंड। हिप्पी आइलैंड के क्रॉस करके है आपका अंजनेय हिल, यहाँ पे की हनुमान टेंपल। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया करता था। लेकिन 1565 में डक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई भव्य महल, मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरी बुनियादी ढांचे भी मिले। इसके बाद 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी नवाजा गया। सोलहवीं शताब्दी के आसपास विजयनगर में तकरीबन 5 लाख निवासी रहने लगे थे, और उस समय यह बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, और यह पेरिस की तुलना में लगभग 3 गुना बड़ा शहर था। हम्पी के खंडहरों की खोज सन 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। मंदिर के सामने यह रोड एक समय में घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था, आज भी हमें खंडर के रूप में बाजार दिखाई देता है। मंदिर में भी हमें घोड़े बेचने वाले कुछ लोगों के छायाचित्र दिखाई देती है। नंदी है, मोनोलिथिक नंदी, ये आपके मतांग हिल हैं जहाँ से अभी हम ट्रैक करके आ रहे हैं। ये पूरी आपकी मार्केट है जिसे कि हम्पी मार्केट कहते हैं, और ये आपका है हम्पी टूरिज्म पुलिस स्टेशन। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो यहाँ पे आके आप पूछताछ कर सकते हैं कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि कुछ। अभी हम आए हैं विरूपक्ष टेंपल, जो कि आपके सामने है।
यह माना जाता है कि हम्पी एक समय में रोम से भी ज़्यादा समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद हैं। ये है हम्पी का प्रसिद्ध विरूपक्ष टेम्पल। विरूपक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। 1509 में अपने अभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने गोपुरा का निर्माण करवाया था। भगवान विट्ठल और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो विरूपाक्ष मंदिर में भी प्राचीन माने जाते हैं। मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हुए मुझे पीछे से एक गाइड ने बोला, चलिए मैं आपको विजिट करवाता हूँ हम्पी शहर को। मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, चलिए साथ में विजिट करते हैं। तो उनके मुख के द्वारा सुनेंगे हम, और ये गाइड हैं हमारे आज हम्पी टूर करवाएंगे हमें। चलिए शुरू करते हैं अपना हम्पी टूर। ऊपर ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन से बना, जितने एक जैक ब्रिक्स कैल्शियम जैक ब्रिक्स एंड पाम ऊपर 3000 पीपल लाइमस्टोन से बना है। अच्छा, ये 165 फीट हाइट है। मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिलर बने हुए हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा से इस चमत्कार के पीछे का कारण जानना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने यह देखने के लिए कि पिलर के अंदर कुछ है तो नहीं, उन्होंने दो पिलर को तोड़ भी दिया, लेकिन पिलर में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे आवाज़ निकलती हो। आज हमें ब्रिटिशर्स द्वारा तोड़े गए वो पिलर भी दिखाई देते हैं। ये राजलोक है, इंटरनेशनल आदमी लोग आते ना, इधर मीट करता था, मीट करके बात करता था, क्या लेके आए, उसमें क्या डिस्कस करता था। मैसरा राज्य लोग 12th सेंचुरी में राष्ट्रकूट, 14th सेंचुरी विजयनगर बोलता है ना, वैसरा हाईकोर्ट अच्छे रहे। पंच फीट है दीप स्तंभ विशिंग स्टोन, पहला दीप अलंकार करता था, पहला लैम्प्स विशिंग स्टोन, इधर बंदर है ना विशिंग स्टोन, बलिपीठ ध्वजस्तंभ नंदी मंडप, बोथ साइड में धर्मशाला है, लेडीज एंड जेंट्स वो लोग भक्त लोग आता रहने को जाग है। सो मम्मी फीट सो ये नीचे तीन वैसला, नीचे ना वैसला द्राविडियन टाप है पगोड़ा, पगोड़े से जापनीस आर्किटेक्चर है पगोड़ा, ऊपर है ना बुद्धिस्ट, ये नीचे वैसला है कर्नाटका स्टाइल, मिडिल पिलर द्राविडियन में आता है। उधर राज्य नर्ती के डांसर कॉलम में ये वर्जन है, ये रिस्टोरेशन की गवर्नमेंट पहला एक पिलर सेम एग्जैक्टली वो क्लीन की गवर्नमेंट, ये पहले के बने हुए हैं और ये बाद में सेम टाइम है, ये तो 500 साल है 600 साल है। अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ विरूपाक्ष टेम्पल, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है पिन होल कैमरा इफेक्ट, जो कि एक होल में से परछाई दिखती है गोपुरम की। देखिए कैसे गाइड ने उन्हें एक्सप्लेन किया है। ये बड़ा गोपुर है ये मंदिर का सामने, ये गोपुर का चाय रिजर्वेशन होता है, ये सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे एक पोजीशन में होता है, ये पेट नहीं है शैलो है सर, ये बड़ा गोपुर का चाय इनवर्स रिवर्स होता है अपोजिट भी सेफ है।
आप 4 बजे आते हो बॉर्डर पे पता ला सकते हो इवनिंग में सनराइज टू सनसेट ऑल आवर्स बट दिस नॉट डिपेंड बाय सन सन इज कम वेदर इज देयर क्लाउड इज देयर शॉट इज अ वन पोजीशन यू नो कैमरा सिस्टम इन्वर्टेड इमेज कैमरा ऑब्स्कुरा दिस इज अ लाइट फोटोग्राफी साइंस एंड विजयनगर टाइम में साइंस था ये विज्ञान है आपको क्लोथ में बताएंगे एज मान सो लाओ करो इज नॉट इधर देखो ये पेट नहीं है आपको हम सामने है तो छोटा होता है देखो इधर देखा कैमरा छोटा बड़ा करता ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी बैक साइड बड़ा होता है देखो ये साइंस विजन से बनाए ना साइंस था विजयनगर में जब साइंस नाम का शब्द ही नहीं था उससे पहले ही हमारे पूर्वज कुछ ऐसा बनाया करते थे तो सोचिए जरा आज के युग में हम क्या क्या कर सकते हैं जो कि हम भूल चुके हैं ये तो एक रावण के बियंड राक्षस सोल्जर रावण के राम का बियंड मंकी वानर वानर बोलते किष्किंधा हम्पी का वो सुग्रीव का सैन ये बैटल ऑफ रामायण स्टोरी है सर वो श्रीलंका में होता है ना एक ही स्तंभ से बना है ये बहुत दिमाग से बना है लेकिन रॉयल एम्ब्लेम है सन एंड मून सोल क्या मैडम हाँ ये पहला रामायण में किष्किंधा है वाली सुक्र का कली कली अभी तक नहीं आए ये लास्ट अवतार बोलते कल्कि भगवान का इधर है तो द्रौपदी स्वयंवर है अर्जुन के साथ मच्छी यंत्र प्रयोग करता ना वही है ये द्रौपदी ये नीचे देखे ऊपर इसका मार हाँ वही इधर है ये तो महाभारत का स्टोरी कुरुक्षेत्र अंत है सेकेंड है क्रोकोडाइल टीथ है ड्रैगन आय पीकॉक फेदर रैबिट एयर लायन इसका बोलता है मक्का का क्या भी काला भैरव था ना हम लोग हाँ काला भैरव तुंगभद्र रिवर से पानी अंडरग्राउंड कैनाल है ये नीचे एक आर्च है ना वाटर अंडरग्राउंड से कैनाल से पानी आ रहा है एक गोपर आप लोग हाँ वो दूसरा पॉइंट इंडिया में सब जगह में आप घुमाओ एक ही नंदी देख सकते हैं सारे प्लेस में ये तीन मुख्य नंदी है विशेष है भूतमान काल वर्तमान काल भविष्य काल ब्रह्मा विष्णु महेश तो नेचुरल टूर टाइम है और एक इस्लामिक आर्च भी अंदर और स्टोन ट्रैक है ब्रिटिश लॉ के लिए भी फाइनल सपोर्ट अब हम चल रहे हैं मोनोलिथिक गणेश जी के मंदिर के अंदर इस मंदिर के अंदर जो मोनोलिथिक गणेश जी हैं उनके स्टमक के अंदर काफ़ी डायमंड्स और ज्वेलरीज रखी गई थी जिसको तोड़कर इन्वेडर्स आए और निकाल के ले गए मोनोलिथिक गणेश जी की परिक्रमा करते हुए मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी आप भी सुनिए क्या आपको भी सुनाई दे रही है
भी प्लेस भी है छोटा गणपति है सामान की पूजा करते हैं छोटा गणपति है और बड़ा गणपति हम लोग देखा चिकोर का पूजा करता है ये मोनोलिथिक स्टोन नहीं है वो डेट है 1436 ये टाइम है सर ये टेम्पल निर्माण किया 1505 इधर है ना ट्रंक एंड हार्ट डैमेज केस वो बड़ा गणपति का स्टमक ये बैक साइड है ना गौरी का सी लुक लाइक यू पॉइंट क्रिक क्रिक में यू पॉइंट होता ना वेरी सिमिलर ऐसा यू पॉइंट साम्राज्य की राजधानी बनने से कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्र नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए भी माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज़्यादा मंदिरों महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर एक छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनती हैं। इस मंदिर के अवशेष हेमकुंट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। मतांग पहाड़ी के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्ड वर्जन में वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऊपर राइट कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। शहर में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से एक भव्य उत्सव यानी कि हम्पी उत्सव है। विजयनगर साम्राज्य में होने वाले यह बहुत ही भव्य त्यौहार था। हर साल विरूपक्ष मंदिर में आयोजित किया जाता था। यह स्थान पर आज भी बीते युग की जहोजलाली और परंपराएं और संस्कृति का स्मरण करवाता है। चलिए मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ हम्पी के बारे में। हम्पी हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। प्राचीन शहर हम्पी का जिक्र रामायण में किया गया है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों का 1336 ईस्वी में यहाँ साम्राज्य था। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया था। हम्पा देवी मंदिर 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। हम्पी मंदिरों का शहर है जिसका नाम पंपा से लिया गया है, जो कि एक पुराना नाम है। आपके जो साइड में रिवर आपने देखी है बहती हुई तुंगभद्र रिवर, उसका पुराना नाम पंपा था, जिससे नाम उठाकर हम्पा और हम्पी नाम डिस्टॉर्ट होते होते पड़ गया। ज़रा स्ट्रक्चर्स को देखिए और बताइए कि आज से 600 से 1000 साल पहले कोई भी दुनिया में ऐसा कोई राज्य होगा जो इतना खूबसूरत बनाया गया होगा। एक समय में हम्पी रोम से भी ज़्यादा समृद्ध नगर था। हम्पी गांव विकास की रफ्तार में पिछड़ा हुआ आज के टाइम पे है। हम्पी में ऐतिहासिक और धरोहर दिखाई जाती है। अब हम चल रहे हैं हम्पी के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, या फिर यूं कहें उग्र नरसिम्हा मंदिर, जहां पर बड़े चट्टानों से नरसिम्ह की मूर्ति बनी हुई है। यह मूर्ति हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्हा आदिशेष पर विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर यानी कि उनके स्टैचू बनी हुई थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई। और ये है वो मोनोलिथिक शिवलिंग जहां पर एक 83 साल के बुजुर्ग रोज जल अभिषेक करते थे। यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि अब वह नहीं रहे।
हम्पी का वेदर गर्म तो रहता ही है, तो नारियल पानी और गन्ने का जूस जहाँ दिखे पी लिया कीजिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आपका कार्य है। अब हम आए हैं अंडरग्राउंड शिवलिंग के पास, जहाँ पर शिवलिंग जल के अंदर समाये हुए हैं। हर कोई अंदर तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आगे नहीं पता कि जल के अंदर क्या है। आपको ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल गुरुपक्ष टेंपल के बाहर मिल जाएंगे, जो कि 400 से 500 रुपए में 10 से 15 स्पॉट्स पे लेके जाते हैं टाइम टू टाइम पे, और आपको 400 से 500 रुपए में पूरे दिन हम्पी में विजिट करवाते हैं। 83 पॉइंट में सब देखने के लिए आपको टाइम लगता है कम से कम आपको 4 दिन। इतना पॉइंट है, आज हम लोग 15 प्लेस कवर कर रहे हैं, और कितना बाकी होता है? 65 बाकी होता है। हम्पी का हाथीगढ़ जीनान क्षेत्र से सटा हुआ है। यह गुंबदनुमा इमारत है, जिसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चैम्बर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का उत्तम नमूना है। यह है हजारा राम मंदिर। यह खंडर मंदिर है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्र में काफ़ी महत्व दिया गया है। यह मंदिर 1000 से भी ज़्यादा लकड़ियों की खुदाई और शिलालेख और रामायण के प्राचीन कथा के लिए माना जाता है। आप देख सकते हैं, ये जो सामने वॉल है, इस पे उकेरा गया है कि कैसे विजयनगर में विजयदशमी मनाई जाती थी। अंदर अगर आप जाएंगे तो हर वॉल पे, हर कोने पे आपको दिखाई देगा रामायण के सबूत, जो कि आज से हजारों साल पहले भी उकेरे गए हैं दीवारों पर। हम्पी जाने का सबसे अच्छा समय बताया जाता है कि अक्टूबर से फरवरी है, यानी सर्दियों का मौसम। वैसे तो हम्पी शहर में दोपहर के समय छोड़कर बहुत अच्छा वातावरण रहता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण त्यौहार अक्टूबर से फरवरी के समय ही मनाया जाता है। अब मैं आपको ऐसी गुफा के अंदर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर हम्पी के राजा अपने शासनकाल में रणनीति तैयार किया करते थे। Thank you.
अब हम चल रहे हैं हम्पी के सबसे बड़े टेंपल के सबसे फेमस टेंपल के अंदर, जो कि हम्पी जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। वो है हम्पी का विजय विट्ठल टेंपल। शहर के सबसे भव्य एवं प्रभावशाली मंदिरों में से एक विट्ठल मंदिर है। यह मंदिर तकरीबन 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसकी बनावट एक अद्भुत और समृद्ध वास्तुकला की खूबसूरती उजागर करता है। इसकी कुछ स्टोरी है ना? ये तो सत्संग नमस्कार करने के लिए ये तिरुमल देव गोपुर है, राजा कृष्णदेव का पहला पत्ते तिरुमल देव के लिए। वैसे तो इलाके में 500 से भी ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। उन सब में विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक निकाशी की गई है। इस प्रांगण में दरवाजे, मंदिर मीनारे और सुनसान पड़े प्रांगण शामिल हैं। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के यह पहिए किसी समय में घूमा करते थे। विट्ठल मंदिर में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। विट्ठल मंदिर के प्रांगण में एक अंदरूनी बरामदा और 3 दरवाजे शामिल हैं, जिनके साथ लोगों के चलने के लिए बने गलियारे आज सुनसान पड़े हैं। हम्पी में मौजूद ज़्यादातर इमारतें की तरह यह गलियारे भी ग्रेनाइट से बने हैं और इन पर बारीक नक्काशी का काम किया गया है। टाइम बताएंगे, पहला बड़ा बंदर बच्चे को ऊपर ले रहा है, सेकेंड है फ्रॉग जंपिंग, थर्ड मंकी जंपिंग है, फोर्थ बड़ा बंदर बच्चे को मिल्क दे रहा है, 5 शिवलिंग एंड कोबरा हेड, 6 मूइंग स्नेक है। सर ये स्ट्रक्चर अलग देखो, ये 1422 है। ये इसके बारे में ये जय विजय है, ये मूर्ति है। रंग मंडप के अंदर एक मंच होता है, जिस पर बैठकर पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम किए जाते हैं। 56 खंभों वाला यह रंग मंडप विट्ठल मंदिर में मौजूद है। तो इसके साथ हमारी हम्पी की यात्रा समाप्त हुई। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक ज़रूर करिए अगर आपने यहाँ तक देखी है। कमेंट सेक्शन में बताइए आगे कि कहाँ की वीडियो आप चाहते हैं और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने है तो। धन्यवाद, नमस्कार।